जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे जो बाल गोपाल है उन्हें मखाने की बनी हुई चीज़ें बहुत ही पसंद है। वैसे तो वो लड्डू गोपाल ही हैं, पर हम उन्हें आज मखाने के लड्डू बनाकर खिलाएंगे। तो इस जन्माष्टमी को, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ ले लेंगे एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी, और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डाल देंगे 2 कप मखाने। तो यहाँ पे मैंने मखाने डाल दिए हैं और उनको मीडियम फ्लेम पर करते हुए, लगातार चलाते हुए उन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें चलाएंगे, और जब तक ये हल्के रोस्ट नहीं हो जाएंगे अच्छे से, और मतलब कुरकुरे नहीं हो जाएंगे, तब तक इन्हें हम बराबर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और हम चेक कर लेते हैं कि जो मखाने हैं वो अच्छे से भुंजे हैं कि नहीं। ये देखिए, हाथों से आसानी से ये टूट रहा है, चूर चूर हो रहा है। तो मतलब हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और अब एक थाली में हमने निकाल लिया है इन्हें, और इनका एक हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तब तक ये ठंडे होने के लिए हमने छोड़ देते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी। इससे मैंने पहले डाला इसलिए क्योंकि जो दूध है वो नीचे तले पे ना लगे कढ़ाई के। तो यहाँ ले लिया है मैंने 1/2 लीटर दूध, यानी कि 2 कप दूध। तो 2 कप दूध ले लिया है मैंने, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी। और चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, दूध में अच्छे से घुल जाए चीनी, पकने देंगे। और अब हम जो मखाने हैं वो ठंडे भी हो गए हैं, तो इनका अब हम ग्राइंड कर लेते हैं और एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक महीन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, जो पाउडर बनकर तैयार हो गया है, तो बस इसी तरीके का हमें एकदम महीन पाउडर चाहिए था। और इस तरीके से हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे इसको। और अब हम जो दूध है उसमें भी अच्छे से बॉईल आ गया है, और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। और जो अभी हमने मखाने का जो पाउडर बना के रखा था उसको हम दूध में डाल देंगे, और धीरे धीरे करते हुए लगातार इसे हम चलाएंगे। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे, ये जो मखाने हैं ना वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, या दूध है वो अच्छे से सूख नहीं जाता। तो अभी ये धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और इसकी जो फ्लेम है उसको हम मीडियम कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे चलाएँगे। तो अभी ये आपको पतला लग रहा होगा, और धीरे धीरे हम इसे करके चलाएँगे। तो ये धीरे धीरे करके देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। और इसे अभी हम और पकाएंगे, जिससे ये पूरा एक डो तरीके से, जो आटा होता है ना गुथा हुआ, उसी तरीके से ना हो जाए। तो और भी हम इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो पूरा दूध है पूरा सूख गया है, और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड साइड में घी भी छोड़ दिया है। और ये देखिए, एक पूरा डो तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची भी डाल सकते हैं, पिसी हुई इलायची, पर मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं अभी ऐड किया हुआ है। और बस इसे हम हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसके हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लड्डू आप साइज के अकॉर्डिंग कम छोटे बड़े कर लीजिए। तो मैंने एक ही साइज के, तरीके से इस साइज के ही लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो बाकी लड्डू हैं उन्हें भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो सारे लड्डू हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इन लड्डुओं को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है चांदी की वर, और चांदी की वर को इस तरीके से लड्डू के ऊपर लगा देंगे। लड्डू तो हमारे रेडी हो गए हैं, पर थोड़ा सा उन्हें डेकोरेट कर दो ना, तो वो लड्डू और भी देखने में अच्छे लगते हैं, और खाने का तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बस अभी मिल जाए। और बस इसके बाद हम इसमें 2-3 धागे केसर के रख देंगे। इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये टेस्टी और बहुत ही आसान से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप अपने बाल गोपाल को इस भोग को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपने इसे बनाया कि नहीं बनाया, और आपकी जन्माष्टमी कैसी रही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।